नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो जाति धर्म व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ वरुण केसर बानी जी मौजूद है, जो की फरियाद महानगर के महामंत्री है, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि एक प्रगतिशील समाज में युवाओं को कैसे नेतृत्व करना चाहिए और अभी तक प्रयाग में कितना विकास हो पाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, प्रयाग में आपका। सर ये बताइए कि आप युवा हैं, युवाओं को कैसे देखते हैं, वो राजनीति में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा है? युवा एक बड़ी सोच के साथ और बड़े विचार के साथ राजनीति में आता है और काम करता है, और युवा ही इस देश की और प्रदेश की तकदीर को बदल सकता है। और युवा सही दिशा में अगर युवा काम करेगा तो निश्चित तौर पर परिवर्तन लाता है। आप अन्ना हजारे का उस आंदोलन को याद करिए जो 2013 के अंदर युवाओं ने एक माहौल बनाया और भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों के खिलाफ, कालाधन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, और उसी का नतीजा रहा कि क्या नाम है, 2014 के बाद इस देश के अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ। उसका पूरा मैं श्रेय युवाओं को दूंगा, इस देश के जिम्मेदार जो युवा थे और उसी का पूरा श्रेय है युवाओं का। सर अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जो राजनीति को एक गंदी चीज समझते हैं, राजनीति से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, उन युवाओं को आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है कि अगर हम दूर भागेंगे तो निश्चित तौर पर गंदे लोग आगे आ जाएंगे। अगर उस चीज को दूर करना है तो हमको राजनीति में आना चाहिए, राजनीति से भागना नहीं चाहिए। अगर राजनीति से हम भागेंगे तो फिर तो गलत लोग राज करेंगे। सर आप ये महामंत्री हैं सर प्रयाग में, आप ये बताइए प्रयाग में अब तक कितना विकास हुआ? परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है प्रयाग, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है प्रयाग में। अगर आपका कोई परिचित होगा तो वो बताएगा कि प्रयाग बदला कैसे। सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, उसके बाद भी इसका जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं। वह परिवर्तन 2017 में जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की सरकार बनी, और साथ ही साथ आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जब पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग के जिम्मेदारी पे आए, उसके बाद परिवर्तन। आप समझिए कि वो स्थिति प्रयाग के अंदर कैसी रही होगी कि जब हाईकोर्ट के नीचे वकील साथियों की गाड़ी खड़ी हो जाती थी और आम पब्लिक जा नहीं पाती, उसी के ऊपर से ओवरब्रिज लाकर आज जाम की समस्या को समाप्त। प्रयाग महानगर के अंदर एक रामबाग एरिया है, वहां पे ओवरब्रिज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, एमएनआईटी है वहां पे ओवरब्रिज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उधर कैंट से उठकर एकलव्य चौराहे तक पुल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हाईकोर्ट रेलवे स्टेशन से लेकर पानी टंकी चौराहे तक ओवरब्रिज, मैं ये बता रहा हूँ आपको 4 साल के अंदर की उपलब्धि बता रहा हूँ, पिछले 4 साल 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। रोड पे आप देख रहे हैं ये सामने, ये रोड कभी ऐसे नहीं थी, कभी इसमें आप डिवाइडर नहीं देखे होंगे। आज कोई भी प्रमुख मार्ग होगा प्रयाग महानगर का जहां डिवाइडर ना हो, लाइटिंग ना हो, सौंदर्यीकरण ना हो, और पूरे प्रयाग नगर, पूरे प्रयाग महानगर को सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सजाने का काम किया गया, प्रयाग राज का शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा में यहाँ मतलब कैसी चीज है? शिक्षा का जो ये आपको मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, ये पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं हुआ करता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसका दर्जा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नेता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। ये जो प्रयाग में आप बड़ा विकास देखोगे, एक नैनी का ओवरब्रिज है उसको भी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने किया। तो जो भी बड़े काम महानगर में हुए हैं वो आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के समय में हुए हैं या वर्तमान में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। शिक्षा का स्तर अच्छा है निश्चित तौर पर, एक दो साल से कोविड है, थोड़ा सा बच्चे भी और आम जनमानस भी इससे परेशान रहा, लेकिन आज आने वाला समय फिर भारतीय जनता पार्टी का जब होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और विकास को और शिक्षा को खूब अच्छे स्तर से, भ्रष्टाचार मुक्त है, 1 रुपया का आरोप 5 साल में कोई नहीं लगा सकता, 7 साल में केंद्र की सरकार पे 1 रुपया का आरोप नहीं लगा सकता, आप बताइए। लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में सबको बोलना है, बोलने का मौका होना चाहिए,
आदमी अपनी बात कर रहा है, अच्छी पार्टियां तो बैठी ही रहती है, वो उनको बस राजनीति करना है, वो बतावे कि हाँ ये पांच काम हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास का किया था, वो नहीं बता पाएंगे। इसी प्रयाग महानगर बहुत पॉपुलर नेता थे लेकिन वो नहीं बता, क्योंकि उनके पास जो उनकी सोच थी वो सीमित सोच, विकास की सोच नहीं थी, उनकी राजनीति की जो सोच थी वो बहुत छोटी सोच थी, इसलिए वो विकास नहीं हो पाया प्रयाग का। जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, एक प्रगतिशील समाज में प्रगतिशील राजनीति होना जरूरी है। आज हम 2021 में हैं, 2022 आने वाला है, विधानसभा चुनाव भी है, अभी भी चुनाव के अहम मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है। आजादी के इतने वर्ष बीत गए, आज हम फिर भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर ही बात क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कमियां रह गई पीछे? ये कमियां जो पूर्व की सरकारें रही, आज 7 साल से 8 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये मेडिकल कॉलेज कितने थे आप इससे पहले पता करिए, कितने नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़ा लेके बैठिए, इन्होंने इनके समय में कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने मेडिकल कॉलेज। ये शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए उसका काम भारतीय जनता पार्टी करे। आज ये मुद्दा क्यों नहीं रहेगा, जब पूर्व की सरकारें जो 14 से पहले सरकार में थे या 17 से पहले सरकार, वो क्या करते थे? आपको मैं बताऊं कि इसी प्रयाग महानगर में 5,000 रुपया दे दो विद्यालय वाले को और परीक्षा देने ना जाओ तो परीक्षा हो जाए, ये स्तर था यहाँ। आज कोई माई कला ये नहीं आरोप लगा सकता कि हाँ बगैर गए परीक्षा पास कर लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सब चीजों को सुधारा और सुधारेंगे भी। जहां भी हमारी सरकार है, आज ये मुद्दा नहीं, मुद्दा विकास का होना चाहिए, काम का होना चाहिए, चुनाव में काम के आधार पर आदमी जीत के आवे, मुद्दा ये होना चाहिए। मतलब जीवन के जो अहम मूल्य है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इन पे बात होनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। अब रोजगार की बात आई तो सर, रोजगार की क्या स्थिति है प्रयाग? देखिए, रोजगार की स्थिति अच्छी है, माननीय प्रधानमंत्री जी सबको आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम लोगों को बैंकों से लोन भी हो रहा है, तमाम लोगों को खुद का जो रोजगार अपना करना चाह रहे हैं उनको भी सब मिल रहा है। साथ ही साथ जो भर्तियों की बात है, तो निश्चित तौर पर देखिए बेईमानी तो हमारी सरकार ने बेईमानी न किए हैं और न करने दें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रेरणा स्रोत, उनका कहना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। से अभी एक भर्ती आई बीच में, उस पे पेपर लीक हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने बेईमानी की है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, अगर बुलडोजर चलेगा तो कई लोगों के पेट में दर्द होने लगता। अभी हाल में ही एक पितर वाला पकड़ा गया, उसका रिलेशन किससे है, संबंध किससे है, अब वो हाथ खड़ा कर दिए क्योंकि वो क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई फंडिंग नहीं होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। जरूर दाल में कुछ काला है, तभी पेट में दर्द हुआ, तभी उन्होंने किस चुनावी समय में ऐसा क्यों किया, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गलत रहा। सर, सभी लोकतांत्रिक दल अपने, जितने भी दल है, सभी अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं, कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद का या फिर जितना भी चीज सब कुछ का पालन करते हैं, लेकिन क्या वास्तविक में वो है? क्या एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये सपना देखे कि वो कभी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कभी आगे बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप बताओ कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा या बहुजन समाज पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? मुलायम सिंह जी हटे, शिवपाल यादव को नहीं बनने दिए, अखिलेश यादव को बना दिए, यहाँ लोकतंत्र है क्या? बहुजन समाज पार्टी में मायावती जब तक रहेंगी तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, कहां ये लोकतंत्र है क्या? कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, हटे, कौन अध्यक्ष बना? सोनिया गांधी जी, वहां लोकतंत्र है क्या? अब मैं बता रहा हूं जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद आप बताओ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? और रही बात जमीन से काट करता, आदरणीय अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष थे, आदरणीय नितिन गडकरी जी पोस्टर लगाने, उन्होंने कहा कि मैं तो पोस्टर लगाने वाला नागपुर में साधारण कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। नड्डा जी विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये सब चीजें जो है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में एक ऐसा राजनीतिक दल होगा जहां लोकतंत्र है। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने महामंत्री बनाया, कोई राजनीतिक दल नहीं बनाता। सब आप किसी भी राजनीतिक दल की लिस्ट देख लो, एक समाज के एक विशेष के लोग ज्यादा होंगे उसमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा। सर, एक प्रगतिशील समाज में आपके हिसाब से किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? समाज में जो मतदाता वोट देने जाते हैं वो क्या सोच के वोट करें कि हम अपने नेता को चुनें? देखिए, निश्चित तौर पर
जातिवाद से ऊपर उठकर, संप्रदाय और भेदभाव से ऊपर उठकर विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए, जो जनता के बीच में रहे, जो जनता के बीच में रहकर काम करे और जो विकास करे। विकास माने कि जो सड़क नाली और तमाम चीजें हैं, बहुत से लोग जब चुनाव आता है तो शुरू कर देंगे ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारे समाज का है, ये हमारे समुदाय का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत, मैं नौजवान हूं तो विकास के नाम पर कि हमने क्या पाया 5 साल, वो एक लिस्ट तैयार करे कि पश्चिम उत्तर दक्षिण में 3 विधानसभा में नया क्या हुआ, उस पर अपने नेता को चुने, हमारे सुख दुख में कौन नेता खड़ा रहा उस पर चर्चा हो। जैसा कि सर आपने बताया कि विकास के नाम पर ये चुनाव होने चाहिए, मतदाता वो सोचकर वोट करे। आईपा भी सर एक ऐसा ही संगठन है जो विकास की बात करता है, समाज में जाकर मतदाताओं को जागरूक करता है कि आप उन्हीं को चुने। आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी मुहिम है और निश्चित तौर पर युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। मेरी आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरे सेट को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस तरह के मुहिम को चला रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं समाज को कि चुनाव हमेशा विकास पे होना चाहिए, मजहब पे, समाज पे नहीं बंटना चाहिए, और निश्चित तौर पर मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आईपा के साथ जुड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ वरुण केसरवानी जी, जिन्होंने बोला कि चुनाव के अहम मुद्दे विकास के होने चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के होने चाहिए, ना कि जाति और बिरादरी पर चुनाव होना चाहिए। ऐसे ही आप आईपा के साथ बने रहिए। धन्यवाद।